हाय एवरीवन, वेलकम टू माय एक्सेल। मैं हूं कमलेश। आज के इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप और फंक्शन को इफ फंक्शन के साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है, और किस तरह से इसका यूज आप कर सकते हैं। तो जिसके लिए मैंने यहां पर एक सैंपल डेटा तैयार किया हुआ है, जिसमें कुछ पर्सन नेम है और उनका यहाँ पर कुछ स्कोर हमने ले लिया है, ठीक है। तो जिसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे और फंक्शन काम करता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फिर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहां पर, इफ एंड और, ठीक है। अभी हम ये चाहते हैं कि 40 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60 एंड 50 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60। ये हमने एक कंडीशन यहां पर जांच करनी है, उसके बाद हम इसको क्लोज कर देंगे। अब ये चाहते हैं हम कि हमने जो वहां पर कंडीशन रखी है, अगर वो मैच हो जाती है तो यहाँ पर पास आ जाए, ठीक है। अगर वो कंडीशन मैच नहीं होती तो उस केस में वहां पर रिजल्ट हमें फेल शो हो जाए, ठीक है। अब देखिए, हमने जो कंडीशन क्या रखी थी कि कोई भी अगर इसमें वैल्यू 60 वाली जो हमने रखी है वो अगर मैच हो जाती है तो वो पास हो जाए, अदरवाइज वो फेल हो जाए। तो अभी आप यहाँ देख रहे होंगे क्योंकि इस सेल में कहीं भी 60 नहीं है जो हमने रखी है, तो इसलिए यहाँ पर इसने इसको फेल शो कर दिया। अब यहाँ पर पास इसलिए शो कर रहा है क्योंकि इस वाले सेल में 60 है और यहाँ पर 80 एंड 100 है। अगर मैं यहाँ पर भी इसको अगर 60 प्लस करता हूं तो आपने देखा कि यहाँ पर चेंज हो गया, यहाँ पर ये हो गया पास। अदरवाइज मैं अगर यहाँ 60 रखता हूँ तो पास, 45 रखता हूँ तो फेल, 59 भी अगर रखूंगा तो भी फेल। अगर मैं यहाँ पर इसको 60 करता हूँ तो यहाँ पर ये पास हो गया। तो इस तरह से ये और फंक्शन है जिसका आप अपनी तरह से इसको यूज कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।